दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशन में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल का बटन दिख रहा है इसे आप ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, जब एक व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वह अपनी कंपनी का ना केवल ओनर होता है बल्कि वह अपनी कंपनी का प्यून, मैनेजर, एचआर मैनेजर, अकाउंटेंट, ये सभी रोल वह अकेले ही प्ले करता है। वह अपने कड़ी मेहनत और सूझबूझ और एक्सपीरियंस के दम पे अपने उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को एक मकाम पे लाकर छोड़ देता है। दोस्तों, इस दुनिया में चार तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं। पहला एंटरप्रेन्योर होता है सेंटर ऑन प्रॉफिट। इसका पूरा का पूरा मकसद केवल प्रॉफिट पे होता है। सारा ध्यान रोकड़े पे रहता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैं कितना कमा रहा हूँ। उसका पूरा का पूरा ताल्लुका सिर्फ अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन से होता है, चाहे वो प्रॉफिट लीगल तरीके से आए या इनलीगल तरीके से आए। उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन केवल अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे ही होता है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, यह कभी भी कंपनी का एक्सपांशन कैसे करना है, अपने एम्प्लॉय का अपग्रेडेशन कैसे करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, इस पर बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं रहता है। कैसे लोगों को हायर करना है, कैसे लोगों को मैनेज करना है, ये इस पर बिल्कुल भी केंद्रित नहीं होते हैं। ये केवल और केवल एक और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन स्टाफ लेके ये अपना काम करते हैं और पूरा का पूरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अपने जेब पे रखते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, इस तरह का सारा काम ये एंटरप्रेन्योर करते हैं। ये अपना ऑफिस ऐसे जगह पर इस्टेब्लिश करते हैं जो कि बहुत ही लो प्रोफाइल एरिया होता है, या पैसे बचाने के चक्कर में ये बिल्कुल शहर से आउटर में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करते हैं। टीम को कैसे डेवलप करना है, कैसे कंपनी का या फर्म का एक्सपांशन करना है, कैसे बिजनेस का ग्रो करना है, कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है, इस पे बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं रहता है। ये जो दूसरे प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनका पूरा का पूरा फोकस ओनरशिप पे होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं, ये हमेशा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के अलावा अपने ओनरशिप और अपने पद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको किसी अदर पर्सन के तरफ से अगर मिलती है तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको डर होता है कि कहीं उनकी ओनरशिप कहीं हाथ से चली ना जाए, या केवल अपने ही ब्लड रिलेशन वाले लोगों को ही कंपनी में एंट्री देते हैं और उन्हीं के साथ में काम करते हैं, भले उनके जो ब्लड रिलेशन या जो उनके रिलेटिव्स हैं वो उस लायक हो या ना हो। इनको केवल ये रहता है कि मेरी सत्ता या मेरी ओनरशिप, मेरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मेरे हाथ से बिल्कुल भी ना चला जाए, हमेशा इस बात का डर इनको लगा रहता है। इनके पास तो एम्प्लॉय होते हैं, बट ये जो एम्प्लॉय होते हैं ये बहुत ही पुराने एम्प्लॉय होते हैं। ये अपने एम्प्लॉय पे नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उनको अपग्रेड कैसा करना है, उनको एजुकेट कैसे करना है, या हाई प्रोफाइल वाले एम्प्लॉय को हायर करना है, इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं होता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो पुराने लोग हैं इन्हीं से कंपनी चल रही है और हम नए लोगों पे नए एक्सपेंशन पे एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं एक बात कहूँ, ये नए एम्प्लॉय पे एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं, ये नए एम्प्लॉय की भर्ती नहीं लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर अपन हायर प्रोफाइल के एम्प्लॉय कंपनी में रखते हैं तो कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा लॉस होगा। अगर पुराने एम्प्लॉय से अगर काम चल रहा है तो अपने नए एम्प्लॉय या महंगे या अच्छे हाई प्रोफाइल वाले एम्प्लॉय रखने की क्या ज़रूरत है, तो वो इस तरह से सोचते हैं। इसलिए इनकी कंपनी एक लेवल तक आगे तो बढ़ती है बट एक लेवल पे आके वो रुक भी जाती है। उसका आगे का ग्रोथ के बारे में इनके पास कोई भी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग नहीं होती है। इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा खींच के केवल और केवल स्टेट तक में ही सीमित हो जाते हैं। उससे आगे बढ़ने की इनकी सोच नहीं होती है, कोई बड़ा विज़न नहीं होता है कि कंपनी को हम नेशनल लेवल तक लेके जाएं। ये केवल अपने स्टेट लेवल में ही प्ले करते रहते हैं
और वहीं पे आके सेंट्रलाइज हो जाते हैं। इस तरह के एंटरप्रेन्योर का फोकस मार्केट वैल्यू, कंपनी रिपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, कस्टमर के ऊपर होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वह अपनी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉय का अपग्रेडेशन, कैसे कंपनी को एक्सपांसन करना है, कैसे ग्रोथ करना है, इन सभी चीज़ों पे इनका फोकस होता है। यह कंपनी की साख, कंपनी की गुडविल, कंपनी की रिपुटेशन के लिए ये अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह की कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है। इनकी अपनी टीम होती है जो मार्केट रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। क्या कस्टमर की ज़रूरत है, किस चीज़ का डिमांड है, कैसे कस्टमर को हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम अपने क्लाइंट्स या हम अपने वेंडर को एसोसिएट कर सकते हैं, कैसे हम टीम का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने टीम को डेवलप करने के लिए किस किस एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, कहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना है, इन सारी एक्टिविटीज़ पे इस तरह की कंपनी काम करती है। इस तरह की कंपनी अपने कंट्री लेवल पे अपना एक्सपांशन करती है। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं ये कम्प्लीटली एचआर सिस्टम को फॉलो करती है, एक हायरार्की को फॉलो करती है, एक सिस्टम ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। इस तरह की जो कंपनी होती है हाई वैल्यू और हाई प्रोफाइल और वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों को कंपनी में रिक्रूट करती हैं। इस तरह की कंपनीज के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इनके विज़न मिशन क्लियर होते हैं, इनके कोर पर्पस क्लियर होते हैं, इनके कोर वैल्यू क्लियर होते हैं, जिसे ना केवल कंपनी बल्कि अपने सारे एम्प्लॉय को ये फॉलो करवाती हैं। इस तरह की कंपनीज का ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, एक बहुत ही कठिन और सिस्टमेटिक इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। कोई भी एम्प्लॉय आसानी से इस तरह की कंपनियों में एंट्री नहीं ले सकते। चाचा का या मामा का लड़का है इसलिए वो कंपनी में आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इस तरह की कंपनियों में। अगर वो लायक है और अगर वो पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तभी कंपनी इस तरह के लोगों को रिक्रूट करती है, चाहे वो घर वाले हो या फिर बाहर वाले हो। इस तरह की जो कंपनी होती है यह ना केवल प्रॉफिट अर्न करती है बल्कि ज़बरदस्त ग्रोथ और एक्सपांशन करती है। दोस्तों, इस तरह की कंपनी का पूरा फोकस सस्टेनेबल वेल्थ की तरफ होता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बहुत बड़े कॉरपोरेशन होते हैं, जस्ट लाइक टाटा, मैकडॉनल्ड, एशियन पेंट्स, विप्रो, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं। एक ज़बरदस्त इनका इकोसिस्टम होता है। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं एक बहुत बड़ा पोर्शन वेलफेयर सोसाइटी को देती हैं, देश के हित के लिए काम करती हैं इस तरह की कंपनियां। इनकी फ्रेंचाइजी, इनके शेयर होल्डर ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि ये बहुत सारी कंपनियों का एक समूह होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल टाटा को लिया जा सकता है। जिस तरह से टाटा के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर, TCS, होटल ताज, इस तरह से बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज का समूह है। इस तरह की कंपनी का दूसरा एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स को लिया जा सकता है, जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्रेंचाइजी है। दोस्तों, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं यह लोगों की रोल मॉडल कंपनी होती है। लोगों को प्राउड होता है इस तरह की कंपनी के साथ जुड़ के काम करने में। इनके शेयर होल्डर अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा एक पैर पे खड़े होते हैं। कंपनी भी ऐसे शेयर होल्डर को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न देती है। अपने क्लाइंट्स, अपने वेंडर, अपने एसोसिएट को ये वर्ल्ड क्लास लेवल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यही कारण है कि लोग इस तरह की कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं
और अपने कैरियर और अपने फ्यूचर को सुरक्षित करते हैं। तो डियर माय फ्रेंड, इस तरह के चार तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपनी सोच, अपने विज़न और अपना लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं। अब ये निर्भर आपके ऊपर करता है, क्या आप सेंटर ऑन प्रॉफिट की कंपनी बनाना चाहते हैं या सेंटर ऑन मार्केट वैल्यू की तरह कंपनी बनाना चाहते हैं, या आप सेंटर ऑन ओनरशिप की तरह कंपनी बनाना चाहते हैं, या आप फिर सेंटर ऑफ सस्टेनेबल वेल्थ की तरह कंपनी बनाना चाहते हैं। चॉइस हमेशा आपके पास होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर लगता है कि यह वीडियो आपके किसी फ्रेंड या कलीग के काम आ सकता है तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करें। और अगर आप मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना या जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।